आंखें खुलने रही हैं ब्लॉग शूट करने का वादा कर दिया मैंने। क्या है तो नींद से पहले मैं उठ चुका हूँ। अब करूंगा सबसे पहले अपने चेहरे को साफ, मतलब कि ये जो जंगली जैसी दाढ़ी बनी हुई है ना, इसको पहले हम करेंगे साफ। बंदे हमारे घर में दो हैं और ट्रिमर हमारे पास एक है। ये बाल इतने किसी के किसने झाटे काटे गए इससे? वैसे मैं और मेरे पापा के अलावा तो कोई यूज करता तो है नहीं। ट्रिमिंग का मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि एक एक बाल ऐसे काट रहा हूँ उसे। अच्छा होगा कि मैं सारा क्लीन करने के बाद दिखाऊँ, फिर उसके बाद अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो हमारा आज का जो व्लॉग है उसके ऊपर बात करेंगे। व्लॉग करूंगा मैं, ट्रिमर तो मेरा चार्ज नहीं है। नॉट बैड यार, इतना सेक्सी तो दिख रहा हूँ कि कोई ना कोई लड़की तो अपने हाथ की नसें काट ही रहेगी। जी कॉलगेट में मेरे कॉल नहीं है, बंदी मेरी चोर नहीं है। बंदी मेरी अगर चोर नहीं है तो ये भाई बाथरूम में ये मोर क्या कर रहा है? वो क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है? तू नहीं बोला था ना झाड़ू डाल के मोर बना दूंगा? हाँ बोला तो था। तो तेरे पापा वहां क्या कर रहे हैं, लेके जान को? अरे यार ये भी तो 2:30 बज चुके हैं। अभी हमारा फर्स्ट काम है कि हमने कबूतरों को पहले तो चारा डालना है। भाई हमारे कबूतर वहां पे बाहर आ चुके हैं। कितने सारे आ चुके हैं। इन कबूतर का बेस्ट पता क्या होता है कि सुबह सुबह आपके नींद ये लोग खोल देते हैं। सुबह सुबह आपकी बालकनी में आएंगे, बहुत करते हैं ये लोग। मेरे को तो यार कबूतर के ऊपर ना तरस भी बहुत आता है कि जब आपने इनको कभी उड़ते हुए देखा है, अभी देखना इनके जो चूतड़ पे इनके पर पड़ते हैं, इनके दर्द नहीं होता होगा क्या? मेरे ख्याल से इनके जो पर लगे हुए हैं ना उनके आगे पीछे जितने इनके पंख जो होते हैं उनसे इनके लगता है चूतड़ छूत छिप जाते हैं। वरना अगर वो ना देखें और जिस हिसाब से इनके आवाज़ आती है ना उड़ने की, कितने चूतड़ इनके लाल होते होंगे जैसे बंदर के होते हैं। सोच के देखना एक बार कितने जोर से आवाज़ आती है जब ये उड़ते हैं। कबूतर इतना उसकी चिड़िया की नहीं आती है, कौए की नहीं आती जितना इनके आती है। करने को तो मेरे पास तो एक्चुअली कुछ नहीं है। मैं तो ब्लॉगिंग का तो मेरे को दे भी नहीं पता कि ब्लॉग एक्चुअली करते कैसे। मेरे को तो उन लोगों पर सल्यूट है यार कि डेली ब्लॉग करके आप लोगों का टाइम इतना खा लेते हैं वो लोग, बेस्ट है। मैं अभी सिर्फ अपनी बहन के कमरे से बाहर आया था देखने के लिए कि बाहर गर्मी कितनी है। भाई 42 डिग्री टेम्परेचर है यार, गर्मी है सर, लू पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कोयले कितने रख दिए मेरे घर के बाहर। अभी दिखाता हूँ आपको, ये बता एक्सपोजर को सेट होने के लिए टाइम लग रहा है। जल रहा है हाथ पूरा है, लिटरली जल रहा है। मैं तो नहीं जा रहा ऐसे गर्मी में बाहर ब्लॉगिंग करने के लिए। भैया गांड में ऐसे छेद हो जाएंगे ना मेरे, सीले भी नहीं जाएंगे वो। अपने मोहल्ले वालों की सबसे चूतिया हरकत बताऊँ क्या है, अभी देखना किसने पेड़ लगाने हैं नहीं, किसी को पसंद नहीं। जब गाड़ियाँ खड़ी करनी होंगी ना इनको घरों के बाहर ऐसे खड़ी करनी होंगी और बोलेंगे ऑक्सीजन टैंक नहीं मिल रहा हमको हॉस्पिटल में, और हमारे घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ उसके नीचे से टेम्पो ठोक दिया इन्होंने, और बोलेंगे कि हम देश के अच्छे नागरिक है। ये अच्छे नागरिक है, मैं जो हगने को तो हर जगह चाहिए, इनको साफ करने को इनको टाइम नहीं मिलता। नहीं लड़ने के लिए जब आएंगे ना तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, हमको ऐसा हो जाता है कि भैया तो वो क्या ही बोल दिया तुम लोग ने। गूगल पे की ना ऐड बनी थी कि बल्कि वो हर तरह के QR कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। अब QR कोड को स्कैन करके मैंने ना अभी किसी को पेमेंट ट्रांसफर की, तो कुछ पेमेंट 2000 के ऊपर ही थी, तो उसमें से मेरे को पता क्या स्क्रैच कार्ड में मिला है नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन। क्या बात है, ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो, काले तो झाड़ के बाल भी है यार। ये क्या मजाक है यार, कह रहे कि पहले क्रेडिट कार्ड को ऐड करो, 1 रुपया कटेगा पहले, फिर हर महीने ऑटोमेटिकली पेमेंट कटती रहेगी। यार ये क्या बात होगी यार, खड़े लड़ने पर धोखा देने वाली बात करते यार ये भी। बल्कि दूसरी कंपनियों का तो शेयर गिरे, मेरे को नहीं पता था कि यार जीपे भी ऐसी गांड मारेगा लोगों की। मैन विद द गोल्डन वर्ड्स बोले, गांड में चाहे गूं ना हो पर कंटेंट के नाम पर थोड़ा सा जोर लगा के हक दो। मेरे को तो लग रहा है यार मेरे को ना फिटनेस वापस चालू करना पड़ेगा। मेरी बाजू देख रहे हैं कितनी पतली हो गई है ये, मतलब कि दोबारा लगता है मेरे को बॉडी बनाना पड़ेगा, अपना स्ट्रक्चर वापस सेट करना पड़ेगा। ये बाजू देख रहे क्या क्या है, क्या व्हाट इज दिस, ऐसा लग रहा है कि बात है कि क्या सूखी हड्डी सी वो बची थी उसमें थोड़ा सा, बस वो किसने गुब्बारा लगा दिया उसके ऊपर। अपने घर में तो यार रियलिटी शो जैसा काम हो गया है कि अगर खाओगे पियोगे तो बर्तन आप ही को धोने पड़ेंगे। पहले ठीक था ना यार, मम्मी धोते थे, अब खुद ही धोने पड़ेंगे। जो खाएगा वही धोएगा, दवा चाहे कितना भी काला हो मांझना तुमको ही पड़ेगा। ये बात मेरे को कुछ पल लेना पड़ी पर फिर भी ग्राइम कर गई। मैं भी बाहर से ना दूध लेके आया, ठीक है। मेरे को ना सीधा जैसे मैंने डोलुआ के रखा तो मेरे को ऊपर से मेरे भाई के रोने की बात सुनाई दी, तो मैंने देखा कि जाके देखते भाई क्या हो गया, इसको रो क्यों रहा है। अब खुद देखो मैं क्यों बता रहा हूँ। क्या हो गया रे, रो क्यों रहा है? मैं पोर्न देख रहा था। तो उसमें रोना क्यों? लड़की गम दिखा रही है उसमें, लड़के का लंड ज्यादा दिखा रहे, मेरे को लड़की को देखना है। मेरा आज का ब्लॉग अगर आज आप
मेरा आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल केरनी को। फंबल ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा आपसे, हम करेंगे ब्लॉगिंग।